अभी सभी लोग संवेदनशील होते जा रहे हैं, दिख जाता है। क्या नाम है आपका बेटा? मतलब सोचने वाली बात है, वो छोटे बच्चे देखना अपने हॉस्पिटल में जो बोल नहीं सकता और बोलते कि मेरे को दर्द हो रहा है, वो ऐसे पड़े यार किसी को लग के इतना। एक बच्चा वहाँ भी पड़ा हुआ है, देखिए इस यहाँ किस तरह से परिंदे पड़े हुए हैं और एक बच्चे किस तरह से फूट फूट कर रो रही है। बच्चे हैं ये, इन्हें देख कर परवस आंसू आ रहे हैं। ये बच्चे अपने घोंसले से ऊपर हाइट से गिर के, ये बच्चे ये तो जिंदा है, कई पेड़ों की ऊंचाई से गिरे हैं और यहाँ मर गए। इसके बावजूद भी वन विभाग ने 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। नगर निगम में जो भी विभाग है, इन परिंदों का कोई गुनाह नहीं है। यहाँ के जो बीएसएनएल के अधिकारी हैं, इनको लगता था कि इन पक्षियों से गंदगी हो रही है और नगर निगम के उद्यान विभाग ने पक्षियों के नाम पर पेड़ छांटने की अनुमति दी और बिना जांच पड़ताल, बिना घोंसला हटाए पेड़ काटे गए, छटाई हुई और सैकड़ों पक्षी यहाँ मर गए। आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों को नेस्तनाबूत किया गया है। सिर्फ एक बच्ची ही नहीं, जो भी यहाँ आ रहा है, जिसके भी अंदर संवेदना है, वो यहाँ आंसू बहा रहा है। अगर किसी के आंसू नहीं बह रहे हैं तो है सरकारी सिस्टम, वन विभाग, नगर निगम और बीएसएनएल, तीनों विभागों के अधिकारियों के अंदर कोई भी संवेदना नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पंछी प्रेमी आए हुए हैं, ये पक्षियों को बचा रहे हैं और 3 दिन बाद भी यहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है। इन पक्षियों की देखरेख, मासूमों को बचाने के लिए जो चूजे हैं, वन विभाग कोई भी सक्रियता नहीं दिखा रहा है। वन विभाग ने सिर्फ इतना किया कि यहाँ जो पक्षी मृत पड़े थे उनका पोस्टमार्टम करा दिया और जो बच्चे, जो चूजे अपनी माँ के लिए तड़प रहे थे उनको यहाँ से हटा दिया। ये देखिए, ये लोग यहाँ सामान लेकर आए हुए हैं और किस तरह से पक्षियों को बचा रहे हैं, रेस्क्यू किए हुए हैं। में दबे हुए थे, कुछ मर भी गए हैं। वो पेड़ों के डालियों से बचे हुए पक्षियों को गैर विभागीय लोगों ने, पक्षी प्रेमियों ने बचाया है, लेकिन जो वन विभाग दावा कर रहा है कि हमने पक्षियों का इलाज कराया, उन्होंने क्या किया है इसे आप साफ देख सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पक्षी मृत पड़े हुए हैं। देखिए शहर के लोग किस तरह से जागरूक हैं और यहाँ परिंदों को बचाने आए हैं। आपका क्या नाम है बता दो बेटा? थापा नाम है मेरा। कहाँ से आई हो, क्या करती हो? मैं जबलपुर से नहीं हूँ, मैं बाहर सिंगरौली से आई हूँ। बीएससी नर्सिंग मेरा कंप्लीट हो गया। आप साथ में, आप लोग यहाँ कैसे आए, कोई बुलाया है या कैसे पता? आए यहाँ देखे तो इस तरह से संवेदना जागृत हुई। वही हाल हो रहा है जो अभी इन लोग का हुआ है। यहाँ इतनी बेरहमी से कुल्हाड़ी चलाई गई है कि सारे पक्षी नीचे आ गए, घोंसले टूट कर नीचे आ गए और चूजे तड़प तड़प कर मर गए। यहाँ सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई और सरकारी सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा। आप यहाँ तस्वीरों में नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये स्थान है जहाँ पेड़ कटे हुए हैं, डालियों के नीचे पक्षी दबे हुए हैं और यहाँ से दुर्गंध आ रही है। इन डालियों के नीचे भी पक्षी पड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही वन्य प्राणी प्रेमियों ने यहां से पक्षियों को रेस्क्यू किया है। इसमें पक्षियों की चहचहाट भी अभी आ रही थी, मैं इन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां एक चूजा पड़ा हुआ है, शायद अपनी माँ से बिछड़ गया है। आप देख सकते हैं मृत पक्षियों के कारण यहाँ इतनी दुर्गंध आ रही है कि खड़े हो पाना भी मुश्किल है।
लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को इतनी संवेदना नहीं आ रही है क्योंकि वे इस स्थान से काफी दूर हैं। शायद वे समझ रहे हैं कि मृत 22 पक्षियों का पोस्टमार्टम करा देने से उनका कार्य पूरा हो गया। 3 दिन बाद भी यहां कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक पेड़ काटने वाले दोषियों पर नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी ओर यहां वन विभाग ने जो रेस्क्यू किया उसकी भी पोल खुल गई। अनुराग जी, आप लोग यहां आए तो कैसा दृश्य? अभी 3 दिन पहले यहां पेड़ों की डालियां काटी गई थी, उसके बाद वन विभाग का दावा था कि यहां से पक्षियों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो पक्षी थे मृत थे उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया। तो आप लोगों ने यहाँ क्या दृश्य देखा? एक्चुअली हम 19 तारीख को सबसे पहले यहाँ पे आए थे। उस दिन वन विभाग के द्वारा यहाँ पे जो मृत थे, मृत पक्षी के बच्चे थे, उन्हें उठाया जा रहा था। इन सबको एक केज में रखा था। फिर मृत पक्षियों को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन इनको कहीं पे शिफ्ट नहीं किया गया। इस कारण इनको हम लोग फीड कर भी रहे, लेकिन जो इनके प्राकृतिक जो प्रीडेटर्स हैं वो इन पे प्रे कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। बहुत सारे मर भी चुके हैं। हम रोज फीड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सुबह से खुद हैंड फीडिंग करके जो है टीम ने यहाँ पर ग्राउंड पे बचाया है। टीम ने ग्राउंड पर कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किसी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और जो है किसी भी प्रकार का रेस्क्यू सेंटर या इस प्रकार की कोई सुविधा हमको उपलब्ध नहीं कराई गई। जो ऐसे 2-3 दिन हो चुका है, इसके बावजूद भी ये ऐसी हालत में यहाँ पर ग्राउंड पर मरे पड़े हुए थे छोटे छोटे बच्चे पक्षी, है ना। कितनों को हम लोगों ने वहाँ से निकाला है। हाँ, हम लोगों ने हाथ से पकड़ पकड़ के इन लोगों ने, भैया लोगों ने, बहुत सारे और इन पक्षियों पर कितनी बेरहमी से कहर ढाया गया। कैटल है, ग्रेट है। देखिए विभिन्न प्रजाति के पक्षी है यहाँ पर, ये सभी जलीय पक्षी है। आप ये बताइए कौन कौन सी प्रजाति के पक्षी यहाँ जो है? देखिए चोट लगा है, कॉर्मोरेंट पक्षी जो है, ये देखिए कॉर्मोरेंट है, ये इसका पंख टूटा है। अब हमारे पास कोई ऐसी सुविधा ही नहीं कि हम इसका इलाज करें। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में जो सुविधाएं हैं वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ इलाज करने की सुविधाएं, रखने की सुविधाएं नहीं है। ऐसा कोई रेस्क्यू या रिहैबिलिटेशन सेंटर जबलपुर में नहीं है। कुछ खास प्रकार की केयर, अलग अलग प्रकार के पक्षियों को जिसकी जरूरत होती है उसकी हम ट्रीटमेंट वेटरनरी में कर सकते हैं, लेकिन जो उनका जो रिहैबिलिटेशन होता है, उनका पुनर्वास करते हैं, उसकी कोई सुविधा नहीं है। उसको करने की कोई सुविधा नहीं। अब कौन कौन सी प्रजाति के पक्षी हैं? ये कैटल एग्रेट है, ये जो आप देख रहे हैं कोमोरेंट है, इसको जली कौआ कहते हैं, ये पॉन्ड हेरॉन है, बगुले की एक प्रजाति है। ये सारे यहाँ के नेटिव, यहाँ के रहवासी हैं। अभी यहाँ 3 प्रजाति के पक्षी दिख रहे हैं, और भी होंगे, और देखेंगे कि और ही। डॉक्टर माधवी, मैडम आप आई हुई हैं वेटरनरी यूनिवर्सिटी में। वन विभाग कितनी पक्षियों को ले गया था? वन विभाग में सिर्फ हमारे पास उन्होंने मरे हुए बर्ड्स लेके आए पोस्टमार्टम के लिए, जिसमें कीड़े लगे हुए थे। एक दिन बाद 22 बर्ड्स थे। उसके बाद फॉरेस्ट वालों ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। इन बर्ड्स सिर्फ ये पेड़ से गिरने की वजह से टूट गया। अभी हम लोग यहाँ पर आए थे, देखिए इंजर्ड बर्ड्स है, कई सिक बर्ड्स है, उनको ट्रीटमेंट देने के पर्पज से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें कोई फॉर्म नहीं दिया, कुछ भी हमें। आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से यहाँ कहर ढाया गया है। बहुत सारे इसके अंदर भी दबे हुए हैं, अभी बहुत से पक्षी अभी इन डालियों के अंदर दबे हुए हैं। पत्रिका टीम से अभिमन्यु चौधरी।